Hi everyone. Chicken 65 Hyderabadi style. तो ये सब चीजें लगेंगे हमें. एक नींबू और हरी मिर्चे बीच से स्लिट कर और करी पत्ता, कोतमीर और तीन डब्बे, ये छोटे डब्बे हैं दही के, फूड कलर, वेनेगर, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर और मैदा, एक अंडा. पहले मैंने डाला है अंडा. फिर उसके बाद मैं लूंगी कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 टेबलस्पून. एक्चुअली मेरे पास मोबाइल स्टैंड नहीं है तो मैं एक हाथ से कैमरा यानी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और दूसरे हाथ से एक ये सब मिक्स कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा और इसके बाद डालूंगी मैं मैदा. मैदा भी तकरीबन 2 टेबलस्पून. और अब मैं डालूंगी एक ढक्कन सोया सॉस, उसके बाद एक ढक्कन वेनेगर. देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं डालूंगी इसमें नमक. मैं इसमें लाल मिर्च एकदम से थोड़ी डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एंड में हरी मिर्ची यूज करने वाले हैं, तो लाल मिर्च मैं लूंगी 1/2 टेबलस्पून, टेबलस्पून या टीस्पून. देखिए ये भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसमें डालूंगी चिकन. चिकन मैरिनेट करके मैं आधे घंटे तक रखूंगी फॉर बेटर टेस्ट. देखिए मैंने चिकन भी अच्छे से मैरिनेट कर लिया है. इसमें मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अदरक लहसुन भूल गई, फिर मैंने अदरक लहसुन डाला और फिर दूसरी साइड तेल गरम हो रहा है अच्छे से. हमें तेल बहुत सारा चाहिए क्योंकि हमें यहाँ डीप फ्राई करना है और मैं यहाँ प्रिपेयर कर ले रही हूँ जब तक तेल गरम होए जब तक. दही, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उसमें मैं फूड कलर डालकर साइड में रख लूंगी. कि मैंने इसे थोड़ा सा फूड कलर यूज किया है. और ये मैं रख लूंगी साइड पर. और अब यहाँ हमारा तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है. अब मैं इसमें डालूंगी चिकन. चिकन हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1/4 ही कुक करना है क्योंकि फिर हम इसे दोबारा पकाना है. एक एक कर हम इसे फ्राई करेंगे. ये एकदम हैदराबादी स्टाइल है चिकन 65 का. वैसे YouTube पर बहुत ही तरीके का
चिकन 65 है, पर ये जो मेरे मम्मी के घर में बनता है ये मैं आपको उस तरीके का बता रही हूँ। और ये सही बोल रही हूँ मैं, ये बहुत ही ज्यादा मजे का बनता है, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा ऊपर उसकी क्रंचीनेस आ जाएगा चिकन पर, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा यूज किया था उस वजह से। देखिए मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, बस शैलो फ्राई। हमारा चिकन अच्छे से तलने के बाद अब मैं वही ऑयल यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन तला था। देखिए ये ऑलरेडी गरम है तेल, उसमें मैंने डाला है करी पत्ता और हरी मिर्ची जो बीच में से स्लिट करी हुई है। अब इसे मैं अच्छे से पकने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी दही। पहले मैं इसमें डालूंगी चिकन स्टॉक, 1 क्यूब चिकन स्टॉक की। ये अलाली का चिकन स्टॉक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही का पेस्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम इसे 1-2-3 मिनट ही पकने देंगे बस, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। देखिए अच्छे से उसमें उबाल आ गया है और मैं डाल रही हूँ चिकन। पता नहीं ये कैमरा क्यों ऐसा हो गया इस वक्त। हाँ अब सही हो गया। अब आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। हमें चिकन 65 दही का पानी सूखने तक अच्छे से पकाना है। देखिए ये ऐसा हो जाएगा और हमारा यम्मी सा चिकन 65 तैयार है। चाहे तो आप इस पर अनियन फ्राई कर भी डाल सकते हैं, पर ये सिंपल एंड इजी और रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ ट्राई एंड लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।